हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आप दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, और आपको अपने अपने कंट्री में रहते हुए दुबई का वर्क वीज़ा मिल गया है, तो जब आप आएंगे तो आने से पहले, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे आप आना चाहते हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आप आना चाहते हैं, तो आने से पहले आप अपना वीज़ा ऑनलाइन चेक करें। हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, चाहे वो 1 मंथ का वीज़ा, चाहे वो 3 मंथ का वीज़ा, अगर आप वो वीज़ा चेक नहीं करेंगे, मतलब एयरपोर्ट जाने से पहले अगर आप वो वीज़ा आप चेक नहीं करेंगे, तो जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट जाने के बाद वो वीज़ा अगर फेक वीज़ा होंगे तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। इसका मतलब है आपका जो टिकट का पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। आपने कोरोना टेस्ट किया, क्योंकि अभी तक कोरोना टेस्ट मस्ट है ट्रैवल करने से पहले, तो उसका भी पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो आने से पहले जब आपको वो वीज़ा मिल जाएगा, जब विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा रिसीव हो जाएगा, तो आपको अपना वीज़ा ऑनलाइन चेक करना है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे उनका वीज़ा सेंड किया था, तो जब मैं चेक किया था वो वीज़ा फेक निकला। कुछ लोगों का तो ओरिजिनल वीज़ा ओरिजिनल था, लेकिन कुछ लोगों का वीज़ा फेक निकला था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो पहले आप अपना, चाहे वो 1 मंथ का विजिट वीज़ा है, चाहे वो 3 मंथ का विजिट वीज़ा, आपको अपना वीज़ा ऑनलाइन चेक करना है। तो वो कैसे आप चेक करेंगे, तो उसका मतलब इसके बारे में वीडियो है मेरे चैनल पर, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आपको अपने अपने कंट्री में रहते हुए वर्क वीज़ा मिल गया है और वर्क परमिट, वो भी पहले आपको चेक करना है ऑनलाइन। ये वर्क परमिट और वर्क वीज़ा, मतलब ये रियल है और फेक है। अगर वो फेक वीज़ा होंगे और उस फेक वीज़ा में आप जब टिकट बुक करके एयरपोर्ट जाएंगे, तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, और कोरोना का जब कोरोना टेस्ट आपने करके जाना होगा, तो ये सारा पैसा आपको वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको अपना वर्क परमिट और वर्क वीज़ा भी चेक करना है, मतलब किसी भी तरह का वीज़ा अपने अपने कंट्री में रहते हुए मिलता है, तो वो वीज़ा पहले चेक करना है, उसके बाद ट्रैवल करें। और दूसरी बात है, विजिट वीज़ा अभी भी पाकिस्तान के लिए टेम्पोरली बैन है, अभी भी ओपन नहीं हुआ है। जब ओपन होंगे मैं इसके बारे में अपडेट दूंगा। और अबूधाबी विजिट वीज़ा अभी भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए अभी भी ओपन नहीं हुआ है, वो सिर्फ ग्रीन कंट्रीज़ के लिए ओपन है। तो आज का वीडियो बनाने का दोस्तों मेन जो मेरा मकसद है वो है, आपके पास दुबई का, यूएई का विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, आपको अपने अपने कंट्री में रहते हुए दुबई का वर्क परमिट, जो एंट्री परमिट कहा जाता है जिसको वर्क वीज़ा, वो मिल गया है, तो आप जब टिकट बुक करेंगे, अपना टिकट बुक करने से पहले आपको अपना वीज़ा चेक करना है, वो ऑनलाइन, वो रियल है और फेक है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, ये दोनों का, मतलब विजिट वीज़ा आप कैसे चेक करेंगे, वर्क वीज़ा आप कैसे चेक करेंगे, उसका उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बस यही कुछ दोस्तों आज आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग मुझे मैसेज किया था कि उनका फेक वीज़ा है, मैं भी उनका वीज़ा चेक किया था तो वो फेक निकला था। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब पहले से अगर आप अपना वीज़ा चेक करेंगे, तो आपका जो टिकट का पैसा अगर वो फेक निकलते, मतलब फेक वीज़ा होंगे, तो आपका जो टिकट का पैसा, कोरोना का पैसा बच जाएगा। बस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया ना, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बाय बाय, फिर आप मिलेंगे कई नए वीडियो, नए अपडेट लेकर। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे दुबई रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।